नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नारायण साईं को झटका, जेल में मनेगी गुरु पूर्णिमा। स्वयंभू प्रवचनकर्ता आसाराम के बेटे और बलात्कार के मामले में सूरत जेल में बंद नारायण साईं को अदालत ने 31 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर आयोजित समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश ने उस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें नारायण साईं को आसाराम आश्रम में धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए छोड़ने का अनुरोध किया गया था। सत्र अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया तो साईं ने एसीबी अदालत से भी जमानत के अनुरोध को वापस ले लिया। साईं पर सूरत की एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। रिजर्व बैंक ने जारी किया 100 का नया नोट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपए के नए नोट जारी किए हैं। यह वर्ष 2005 की गांधी श्रृंखला के हैं और उन पर नए तरीके से नंबर डाले गए हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि इन नोटों के नंबर के खाचों में अंकित नंबर बाएं से दाएं बढ़ते हुए आकार में है, जबकि उनके साथ पहले छपे 3 अक्षरों के साथ वाले अंकों का आकार समान ही रहेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि उत्तरोत्तर बढ़ते आकार वाले अंक नोटों को सुरक्षित बनाने के उपायों का एक हिस्सा है, ताकि आम जनता असली और नकली नोटों का फर्क आसानी से कर सके। अमेरिका में साइबर हमला, 2.1 करोड़ लोग प्रभावित। एक सनसनी घटनाक्रम में हैकरों ने अमेरिका के सरकारी कंप्यूटर्स हैक करके 2.1 करोड़ से अधिक लोगों के सामाजिक सुरक्षा पहचान नंबर और अन्य अत्यंत संवेदनशील आंकड़े चुरा लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आंकड़ों की चोरी हुई है। ओबामा प्रशासन ने बताया कि दूसरी बार हुई कंप्यूटर की हैकिंग से लोगों के निजी डाटा चुराए गए हैं, जो सुरक्षा संबंधी जांच के दौरान लोग मुहैया कराते हैं। हैकर्स ने लोगों के आपराधिक, वित्तीय, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास संबंधी जानकारी के अलावा उनके परिवार और उनके संबंधियों के बारे में भी जानकारी चुराई है।